सबसे पहले तो अपने घर में इन्वायरमेंट बनाओ। इंग्लिश का इंग्लैंड के बच्चे होते हैं, गली गली के बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं या शहर के बच्चे होते हैं, उनको क्या इंग्लिश सिखाई जाती है? नहीं सिखाई जाती है। तो फिर वो कैसे सीखते हैं? वो अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। उनको क्या कोई इंग्लिश स्पोकन कोर्स थोड़ी कराया जाता है इंग्लैंड के बच्चों को? क्यों? क्योंकि उनकी मदर लैंग्वेज है। अपन खुद की भी मदर लैंग्वेज हिंदी है, तो क्या हमको हिंदी बोलना सिखाया जाता है? नहीं, हम वैसे ही सीख जाते हैं। तो बस सबसे पहले अपने घर का इन्वायरमेंट आप ठीक करिए। बच्चे से छोटे छोटे वाक्य सेंटेंस इंग्लिश में बोलिए, जैसे यू शुड प्ले, यू शुड ईट, ही प्लेज, यू बाथ, लेट्स प्ले, ऐसे छोटे छोटे वाक्य बच्चे से बोलिए। आपका बच्चा धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। बच्चा आपका जो भी डेली रूटीन वर्क करता है उसे डेली रूटीन को कहे कि तू इंग्लिश में बोल। अगर वो छोटे छोटे वाक्य आपसे इंग्लिश में बोलेगा ना, तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा और आपका बच्चा इंग्लिश फर्राटेदार बोलने लग जाएगा। तो सबसे पहले कुछ मत करना, अपने घर का इन्वायरमेंट इंग्लिश वाला कर देना, आपका बच्चा ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाएगा। सेकंड, जब बच्चा इंग्लिश में बोले ना, तो उसे लंबे आंसर के लिए दबाव न डाले। लंबे आंसर उससे पूछोगे ना, पहले तो वो लर्निंग स्टेज में है और आप उसे लंबे लंबे आंसर पूछोगे तो आपका बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अपने बच्चे को सिखाए कि छोटे छोटे आंसर दे, छोटे छोटे आंसर देगा उसको याद भी रहेगा और वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा भी सही। तो उसे बड़े आंसर देने के लिए आप दबाव ना बनाए, छोटी छोटी बातें बताए और छोटे छोटे उसे आंसर बताए, तो वो क्विकली वो करेगा और अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएगा आपके सामने, क्लास में और बाहर हर कहीं पे भी। सेकंड, ध्यान रखना बच्चे से इंग्लिश में बात करते समय बच्चे को रिलैक्स महसूस कराए। ध्यान रखना आप कोई टीचर नहीं हो या आप कोई बाहर से नहीं आए जो बच्चा आपसे बात करेगा डरते डरते, ऐसा मत करना। आराम से रिलैक्स होते हुए बात करना, कुछ भी गलत बोलेगा तो बोलने दो, आप उसे रिलैक्स फील कराओ। आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो बच्चा सोचेगा यार मैं कैसे बोलूं, यार बच्चा डरेगा। नहीं, उसे उसके मन में डर की भावना मत बैठाओ, उसको फ्री बोलने दो, जो बोले उसको बोलने दो। आज नहीं तो कल वो अच्छा सीखेगा, जब वो गलती नहीं करेगा तो अच्छा कैसे सीखेगा। तो उसे रिलैक्स महसूस कराए, जब भी अंग्रेजी में बोले ना इंग्लिश में बोले तो उसे रिलैक्स ओके बोलने को कहे, बेधड़क बोलो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, उसे बीच में न टोके। ध्यान रखना बच्चा जब इंग्लिश में बोल रहा है ना आपसे, तो आपको पता है कि यार मान लो वो गलत बोल रहा है, गलत सेंटेंस बोल रहा है, कोई बात नहीं, वो सेंटेंस पूरा होने दे, उसके बाद में बच्चे को सिखाए कि यार नहीं यार इस जगह तूने गलत बोला, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। जैसे बच्चा बोल रहा है ही आर प्लेइंग, आपको पता है कि वो वर्ब गलत लगा रहा है, आर की जगह इज लगाना है, तो जब बच्चा बोल जाए ना उसके बाद बोले कि ही के बाद आर नहीं इज आता है, ही इज प्लेइंग, तो बच्चा आराम से समझेगा। वरना वो बोल ही रहा है कि ही आर प्लेइंग, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, ही इज प्लेइंग बोल रहे, बेचारे को बोलने ही नहीं दिया और बीच में ही आपने टोक दिया, ऐसा मत करना। बच्चे को बोलने दे, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होने दे, उसके बाद अगर वो गलती कर रहा है तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली आप सुधारिए, सेंटेंस तो पूरा होने दे उसके बाद सुधारिए ना, बीच में ही क्यों टोकते हो। बच्चे से इंग्लिश में बात करते समय ऐसे वाक्य का प्रयोग करें जो बच्चा पहले से जानता हो। नए नए वाक्यों का अगर आप प्रयोग करोगे ना तो बच्चे को थोड़ा अटपटा फील होगा और बच्चे को सीखने में भी टाइम लगेगा। आप उसे ऐसे छोटे छोटे वाक्य डेली रूटीन वाले सिखाएं जो उसे पता हो, जैसे खाने के संबंधित बात करिए ही इज ईटिंग, जैसे खेलने के संबंधित बात करिए दे आर प्लेइंग, जैसे आप बच्चे की कोई हॉबीज के बारे में बात करिए, जैसे उसे मूवी देखना पसंद है तो उसे कहिए ही इज वॉचिंग अ मूवी। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य जो बच्चा पहले से जानता है वही बात करिए, तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चा भी आपके साथ साथ बोलने लगेगा और उसकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधरती जाएगी। छोटे छोटे वाक्य बच्चे को सिखाएं। ध्यान रखना शुरुआत में आपका बच्चा है, लर्निंग स्टेज पे है, तो उसे छोटे छोटे वाक्य सिखाएं। जब आप बड़े बड़े वाक्य बोलोगे ना तो आपका बच्चा बोर होगा,
और उसका ध्यान डाइवर्ट होगा, वह इधर देखेगा, उधर देखेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा, वह आपकी तरह आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। छोटे छोटे वाक्य बोलिए और उसे कहिए कि इसे रिपीट करें, जैसे लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स ईट, चलो खाते हैं, लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं, लेट्स मूव, चलो चलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य उसे बोलने के लिए कहिए, और आप उसे कहिए कि डेली रूटीन का जो भी वर्क है, छोटे छोटे डेली रूटीन का वर्क करें, जैसे आई वॉन्ट टू प्ले, ही शुड ईट, ही शुड प्ले, दे शुड प्ले, ऐसे छोटे छोटे वाक्य बच्चे को बोलने के कहे तो आपका बच्चा सीखेगा भी और इंटरेस्ट के साथ में सीखेगा। तो बच्चे को ये टिप्स अपनाए, आपका बच्चा स्पोकन इंग्लिश जरूर कर लेगा, और क्लास में बाहर दोस्तों के साथ में हर वक्त बेधड़क इंग्लिश बोलेगा। बस ये टिप्स आप अपना लेना।